हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल VS4Tech में। तो दोस्तों, क्या होता है आजकल हर किसी के पास कुछ ना कुछ पर्सनल फाइल्स होती हैं, डाटा होता है, वीडियोस होती हैं जिन्हें वो किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, एक वॉल्ट का यूज़ करते हैं और उस वॉल्ट में आप वीडियोस, फाइल्स, जो भी आपके पास प्राइवेट है जिसको आप दिखाना नहीं चाहते वो उसमें डाल देते हैं और एक पासवर्ड शेयर करके रखते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप कुछ भी फाइल्स हो, जो भी प्राइवेट डाटा है आपके पास, उसको आप हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो और कोई भी उनको नहीं देख पाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मेरे मोबाइल में दिख रहा होगा टाइमर नाम से एक एप्लीकेशन है। दोस्तों, ये एक साधारण टाइमर या घड़ी नहीं है, लेकिन जो भी पर्सन इसको देखता है तो वो बोलता है भाई ये टाइमर या घड़ी है जिसमें हम टाइम देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक वॉल्ट है जिसमें आप चाहें जितना डाटा, पर्सनल वीडियोस, फाइल्स, फ़ोटो जो भी है इसमें डाल सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो और कोई उन्हें नहीं देख पाएगा। दोस्तों, क्या सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और सर्च बार में आपको लिखना है टाइमर लॉक। दोस्तों, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ये टाइमर लॉक है, इसको आपको इंस्टॉल करने लाना है। ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको सीधा होम अपने मोबाइल में आके ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, देखिए ये ओपन हो चुका है। आपको वन बाय वन स्टेप आगे जाना है और ये ग्रांट परमिशन मांगेगा फर्स्ट टाइम। दोस्तों, आप इसमें कुछ भी पासवर्ड रिकवर करने के लिए कुछ भी क्वेश्चन देख सकते हो और उसका आंसर दे सकते हो। जिससे क्या होता है, आप अगर आपका पासवर्ड भूल जाते हो तो आप दूसरे तरीके से भी इसके अंदर एंटर हो सकते हो। दोस्तों, मैं आपको देखती है मैं इसे फर्स्ट इसमें लिख देता हूँ, इसमें अपना चैनल का नाम लिखता हूँ, चैनल नेम। ये मेरा क्वेश्चन है, मैं इसमें आंसर में डाल देता हूँ VS4Tech। ये मेरा आंसर है, सेव कर देता हूँ इसको। और दोस्तों, ये क्या होगा, ये आपसे एक रिकवरी ईमेल भी मांगेगा तो मैं वो भी डाल देता हूँ इसमें। दोस्तों, मैंने इसमें ईमेल आईडी डाल दिया है और मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, देखिए स्टार्ट हो चुका है। अब आप इसमें एक पासवर्ड डाल सकते हो जो भी आप सेट करना चाहते हो। जैसे मैं अभी इसमें एक ये मैं 45145 का इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, और ये बीच में आपको क्लिक कर देना है। और ये कन्फर्म करने के लिए एक बार फिर से पासवर्ड मांगेगा आपसे, तो इसमें आपको एक बार फिर से इसको कन्फर्म कर देता हूँ 1:45, और आपको ये बीच में क्लिक कर देना है। दोस्तों, ओपन हो चुका है, इसको आपको डू नॉट, ये आपको दोबारा सोना हो इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। दोस्तों, देखिए आप इसमें ओपन हो चुका है। अब आपको जैसे आपका वीडियोस है, फाइल्स है, तो अगर आपका पिक्चर्स है तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आप गैलरी में से इसमें दोस्तों गैलरी में से आप कुछ भी फाइल्स या वीडियोस चूज़ कर सकते हो। इसमें गैलरी में गया जी, हेलो में जाके मैं ये एड्स आएंगी तो इनको आपको कैंसिल कर देना है। ये मैंने फाइल्स सिलेक्ट कर लिए। अब आपको यहाँ पे लॉक पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे आ गई होंगी और ये आपको गोइट पे कर देना। अब क्या होगा, ये इससे आपके मोबाइल में जो ये फ़ोटो थे ना आपके मोबाइल में, वहाँ से हटके इसमें आ चुके हैं। अब आपके मोबाइल में कोई इनको नहीं देख सकता है, आपको एक बार बैक आ जाना है। दोस्तों, ये आपका हो चुका है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको टाइमर लॉक में जाना है। देखिए दोस्तों, कोई भी पर्सन इसके अंदर अगर जाने की कोशिश करेगा तो उसको ये सिंपल एक टाइम दिख रहा है, इसमें आप घड़ी देख सकते हो, टाइम देख सकते हो। जो मेरा करंट टाइम है 19:21 दोस्तों वही है। लेकिन ये पासवर्ड है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पासवर्ड दोबारा से इसके अंदर एंटर होना है तो आपको बीच वाले बटन पे प्रेस करना है और उसमें आप अपना पासवर्ड डाल सकते हो। ये मैंने 1:45 डाला टाइम और ये क्लिक कर देना। दोस्तों, ये ओपन हो चुका है।
अब आप इसमें फोटोज, मैंने अभी पिक्चर्स डाले थे वो मेरे इसमें है, और देख सकते हैं मैंने जो पिक्चर्स डाले थे वो आपके इसमें है, और वीडियोस डालने आप इसमें डाल सकते हो, और फाइल्स आप इसमें डाल सकते हो। आप चाहो तो इसमें कोई भी फोल्डर्स बना सकते हो, यहाँ से प्लस करके आप यहाँ पे कोई फोल्डर्स या कोई फाइल्स या कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है या कैमरे से कुछ पिक्चर्स लेना है, आप यहाँ से क्लिक करके पिक्चर्स भी डाल सकते हो और वीडियोस फ़ोटोज़ जो भी हैं आपके पास वो इसमें डाल सकते हो। तो मैं एक बार फिर से बैक आ जाता हूँ, एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ वीडियोज़ डाल के। तो यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है, वीडियोज़ मेरी इसमें है, इसमें हेलो में गया, ये मैंने वीडियो चूज़ किया और ये यहाँ पे क्लिक कर दिया, सॉरी ये ऑल्स पे हो गया, एक पे क्लिक किया और ये लॉक दबा दिया, ये आपका वीडियो इसमें आ चुका है। अब ये आपके मोबाइल गैलरी में सेट के इसमें अंदर आ गया। अब इससे क्या हुआ, आपका कोई भी डाटा, आपका पर्सनल डाटा कोई भी नहीं दिख पाएगा इसमें, आप कुछ भी वीडियोज़ फ़ोटोज़ कुछ भी इसमें डाल सकते हो और पासवर्ड सेट कर सकते हो, और कोई भी पर्सन उसको नहीं देख सकता, आप सीधा होम में जाके कैंसिल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये सिंपल एक टाइमर है, घड़ी है, अगर गलती से कुछ में क्लिक करेगा भी तो उसे जान नहीं पाएगा, वो तो बोलेगा भाई तो घड़ी इसमें अंदर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको बीच में क्लिक करने के इसमें आपको पासवर्ड डाल देना है, और रॉन्ग पासवर्ड डालते हो आप तो आप यहाँ पे अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो दोस्तों आप रिकवरी कर भी सकते हो, मैंने अभी बताया था आपको। यहाँ से मेरे चैनल का नाम जो था वो मैं यहाँ पे अपना चैनल का नाम डाल के पासवर्ड को रिकवर भी कर सकता हूँ, देखिए रीसेट हो जाएगा जी आपका। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करें, और मेरे वीडियो को शेयर करें, और आपको वीडियो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा उस पर क्लिक करें, और बेल आइकन जरूर दबाएँ जिससे आप मेरा वीडियो कभी मिस ना कर पाएँ।